चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखिएगा, ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है। जहां पे भी आप लोगों को दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, गाडगिल फॉर्मूला ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को प्रभावित किया है? तो जो गाडगिल एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या है, जो चौथा पंचवर्षीय योजना है, फोर्थ पंचवर्षीय योजना है, उसको क्या है, उसको जो रूपरेखा है या उसका जो ड्राफ्टिंग है वो बनाने का काम किया, उनको क्या है, गाडगिल फॉर्मूला या गाडगिल योजना कहा जाता है। देखिए आपको बताया था कि हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना है जिसको 5 ईयर प्लानिंग कहा जाता था, आपको बंद कर दिया, ये कहाँ से लिया गया था, ये रशिया से लिया गया था, रूस से लिया गया था। भारत में कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना चालू हुआ और 12वें के बाद क्या है, जो हमारा योजना आयोग है उसको भंग कर दिया गया। योजना आयोग को क्या है, भंग करके इसकी जगह पे क्या बनाया गया था, नीति आयोग बनाया। देखिए योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1 अप्रैल 1950 में आपका योजना आयोग बनाया गया था और 1 जनवरी 2015 को क्या बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को क्या बनाया गया, नीति। योजना आयोग के भी प्रधान और नीति आयोग के भी प्रधान कौन होते हैं, पीएम होते हैं, यानी इनके अध्यक्ष कौन होता है, हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते थे, और नीति आयोग के भी क्या है, अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जो भी उस समय होंगे। ठीक है, हमारे देश में पहला जो पंचवर्षीय योजना चला था वो 1951 से लेके 1956 तक चला, समझिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना कहाँ से कब तक चला, पहला पंचवर्षीय जो योजना है, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, ये कब चला, 1951 से लेकर 56 तक चला, और इसे क्या है, हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है, डोमर मॉडल कहा जाता है। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या था, वो 1956 से लेकर 1961 तक चला, इसी को महल नोबिस मॉडल कहा जाता है, महल नोबिस मॉडल कहा जाता है, धन्यवाद। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। और चौथा क्या है, आपका गार्डविल फॉर्मूला से बनाया गया, ठीक है, गार्डविल फॉर्मूला से बनाया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग किस देश से लिया गया, रशिया से लिया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। नीति आयोग कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। अब तक कितना पंचवर्षीय योजना चला, 12 पंचवर्षीय योजना चला। आरबीआई का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, और आरबीआई एक्ट कब लाया गया था, आरबीआई एक्ट कब लाया गया था, 1934 में लाया गया, ठीक है, 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया। आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कहां पे था, पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां ले गया, मुंबई, कहां ले गया, मुंबई ले गया। आरबीआई
का राष्ट्रीयकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण। आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओसवान थे। ओसवान स्मिथ क्या है, पहले अध्यक्ष थे। और पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सी डी देशमुख। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सी डी देशमुख। और ओसवान स्मिथ क्या है? आरबीआई के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एकदम याद करके रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ आपको कम से कम 10 क्वेश्चन याद करवा रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन याद करने से क्या होगा, ज्यादा मैक्सिमम इसलिए क्वेश्चन करने से क्या है, मैक्सिमम फायदा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य कौन सा है, यानी किस राज्य के पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है वो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के क्यों होता है, क्योंकि देखिए मुंबई क्या है, बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, और वहां पे क्या होता है, बहुत सारे उद्योग धंधे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह, बॉलीवुड वगैरह है, तो वहां पे इस तरह का एक्टिविटीज हो रही है। अगला है, पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा के प्रावधान की परिकल्पना करता है, बकलात किसने किया? तो इसको बकलात किया था आपके एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, पूरा का मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसा सुविधा होना चाहिए। उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था कि गांव में क्या है, शहर जैसा सुविधा प्रदान की जाए, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, उसके बाद स्वास्थ्य हो, और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो। तो ये सब अगर गाँव में होगा ना, तो गाँव से क्या होता है, शहरों में पलायन रुक जाएगा। आजकल हम लोग या कई लोग क्या होता है, गाँव से शहर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि गाँव में वो सुविधाएं नहीं है जो शहरों में है। अगर गांव में भी क्या है, ऐसी सुविधा अगर हो जाए, तो कौन शहर जाना चाहेगा? शहर में कितनी गंदगी है, कितनी वायु प्रदूषण है, कितने ज्यादा रस भरे हुए हैं, मकान में दिक्कत, आने में दिक्कत, फिर सुरक्षा का दिक्कत, अपने घर छोड़ के, अपने जन्मभूमि को छोड़ के क्या होता है, लोग शहर क्यों जाना चाहेंगे? अपना जो जन्म स्थान है उनको छोड़ के कौन जाना चाहता है शहर? लेकिन जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि रोजगार मेन है। ऐसा नहीं होगा तो सारे जो बातें होती है वो फीका पड़ जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात बताई। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना, जो हमारा यहाँ पर नेशनल इनकम है, उसकी गणना किस एक तरीका को छोड़कर सभी तरीके से की जा सकती है। तो वो तरीका है आपका राष्ट्रीय सभी बचत का योग, बचत से नहीं की जाती है, यानी व्ययों से की जाती है, आउटपुट से की जाती है, आय से की जाती है, लेकिन क्या, बचत से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती है। राष्ट्रीय आय आपको क्या होता था, कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एनएनपी, मतलब नेट नेशनल उसको प्रोडक्ट कहते हैं, उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एनएनपी को क्या है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एनएनपी क्या होता है, जो हमारा जीएनपी होता है, जीएनपी में से क्या है, मूल्य ह्रास को अगर घटा दिया जाए तो क्या बनता है, एनएनपी। देखिए, एनएनपी क्या बनता है, एनएनपी, ये सब बताया। इसमें जब जीएनपी से क्या घटा दे, जीएनपी से माइनस क्या कर दे, मूल्य का मूल्य ह्रास घटा दिया जाए। मूल्य ह्रास को अगर घटा दिया जाए तो इसको क्या बनता है, आपका एनएनपी बनता है, और इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझिएगा, देखिए, प्रति व्यक्ति आय अलग होता है, राष्ट्रीय आय अलग होता है, इन दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वृहद दृष्टिकोण को इंगित करता है, किनको छोड़कर, निम्नलिखित में कौन वृहद दृष्टिकोण को इंगित करता है, यानी वृहद यानी बड़ा कौन है, देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें है भारत में मुद्रास्फीति, नहीं मुद्रास्फीति वृहद दृष्टिकोण को क्या है, इंगित नहीं करता, वो क्या होता, छोटे लेवल पे भी क्या होता है, मुद्रास्फीति हो सकता है। दूसरा है बाटा शू कंपनी की बिक्री, जो कंपनी होता है वो छोटे स्तर पर होता है। यूको को आम का निर्यात कर रहे, देखिए यूके जो है, जो आपका ब्रिटेन है, उनके अगर किसी चीज को निर्यात कर रहे ना, तो वो बड़े पैमाने पर अलग चीज होता है। रेलवे से प्राप्त आय भी क्या होता, छोटा होता, तो क्या होगा, यूको से प्राप्त किया गया उसको माना जाता है। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक को इसके इस नाम से कब जाना गया है,
इसको पहले किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारतीय स्टेट बैंक का जो पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक, आप लोगों को बताया था। भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक बनाया गया था कब? ये बनाया गया था 1921 में, इनको इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और भारतीय स्टेट बैंक कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1955 में, यानी 1955 में कि जो SBI है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपीरियल बैंक बनाया गया था, तीन बैंकों को मिला के बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। इन तीन बैंकों को बना के क्या बनाया गया था? एक था बैंक ऑफ क्या है जो बंगाल था, एक था मुंबई और एक क्या था मद्रास। इन तीनों को मिला के क्या बनाया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और इन्हीं को 21 में इंपीरियल बनाया गया था और 55 में इसी को क्या है, SBI बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया? SBI के रूप में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो ध्यान नहीं है। और एक बात समझ ले, वर्तमान में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? आपका SBI है। सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? SBI है। और सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? आपका HDFC है। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करते हैं? देखिए आपको बताया था कि जो सिक्के होते हैं और 1 रुपए के जो नोट होते हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रिंट किया जाता है, और 2 रुपए से लेके जितने भी नोट प्रिंट होता है वो RBI के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या होता है, उसको प्रिंट किया जाता है। तो 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होगा? वित्त सचिव का सिग्नेचर होगा इसका भी। और 2 से लेके जो अप टू होगा, जितने भी होगा अप टू, इस पर किसका होगा? इस पर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होगा। RBI के जो गवर्नर होंगे उनका सिग्नेचर होगा। आप अपने नोट, घर में नोट होगा उसको देख लीजिएगा। नाबार्ड का अर्थ क्या था? देखिए नाबार्ड का होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, तो बी नंबर क्या होता है। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है, और 12 जुलाई 1982 में हुआ था। किस समिति के आधार पर हुआ था? सिद रमन समिति के आधार पर हुआ था। कौन समिति? सिद रमन समिति के आधार पर किया गया था। सिद रमन समिति के आधार पर क्या नाबार्ड का इसका मुख्य काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का क्या करना है? विकास करना, ग्रामीण विकास उनका मुख्य काम। ग्रामीण विकास का मुख्य काम किसका है? नाबार्ड का है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इन सारे चीजों को ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा। सोच रहा हूँ कि कम से कम आपको 5-10 दिन क्या रिवीजन के लिए दे दिया जाए, उसके बाद जो डाउट होता है फिर उसके बाद क्लास शुरू किया जाए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा क्या है, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो कम से कम क्या होता है, 1 हफ्ते लीव ले लीजिएगा। लीव लेके क्या है, पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद जॉब कीजिएगा। कम से कम 1 हफ्ते आप लोग लीव में लेके उन सभी जो भी आप लोग पढ़े हैं उन नोट्स को या जो भी है उनको एकदम रिवीजन के दो दो बार कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो और किया जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अभी आपको बता था 1949 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है तो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आपको क्या होता है? देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? NNP। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? NNP बाई टोटल पॉपुलेशन। सबसे पहले किसने बताया था? नरोजी ने सबसे पहले इनको खोजा था। कितने रुपए था उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपए। उसको ध्यान रखिएगा। तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या है, सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने कैलकुलेशन किया था। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के महान वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। अगला है, कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए जो हमारे यहाँ कृषि है वो किस प्रकार से जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ावा देता है। तो पहला है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर मजदूरों को भोजन और
कपड़े उपलब्ध कराकर कच्चे माल की। देखिए यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा डी होगा, सभी होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान देगा, ये क्या होगा डी होगा। ठीक है, देखिए पौधे में क्या है, बाजार को उपलब्ध करा के फिर जो मजदूर होते हैं उसको भोजन देता है, फिर जो कच्चे माल है उसकी आपूर्ति करते हैं, तो तीनों हो जाएगा इसको, ये क्या होगा तीनों हो जाएगा, उसमें ये गलत से लग गया होगा, ये क्या होगा तीनों होगा। तो हमारे कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र का है उसको ध्यान रखें। अगला है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन कब हुआ था? औद्योगिक विकास जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता है वो, इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, जिसको आईडीबीआई कहा जाता है, क्या कहते हैं आईडीबीआई कहा जाता है। ये हुआ था आपका जुलाई 1964, आईडीबीआई बैंक का नाम सुनेंगे वही है। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा इसमें है, गरीबी हटाओ, देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो आपके इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था, और कौन से पंचवर्षीय में दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 4 साल के लिए चला था, 77 से 74 तक इसमें चला था, धन्यवाद। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, इसके समय पे इंदिरा गांधी ने इस नारा को दिया था। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता को पूर्ति करती है? तो यह है नाबार्ड हो जाएगा। अभी आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको बता दें। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सर है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार के है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट भी है और आपका यहाँ पे सोशलिस्ट भी है, तो दोनों तरह के अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर पी रामा राव समिति किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामा राव जो समिति है वो रक्षा से संबंधित है, रक्षा पर कितना व्यय होना चाहिए, कितना देना चाहिए, उस पर संबंधित है। अंतिम उपाय का ऋण देता है, अंतिम उपाय का जो ऋण देता है, देखिए हमारे देश में जो अंतिम ऋण देता है ना वो आरबीआई है। आपको बताया कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कौन कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं वो किनसे उधार लेते हैं? वो आपके आरबीआई से उधार लेते हैं, जिसमें रेपो रेट के बारे में आपको बताया था। तो कॉमर्शियल बैंक जितने भी है वो कहाँ से उधार लेते हैं, कहाँ से लोन लेते हैं? ये आपके आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? देखिए 12वीं जो पंचवर्षीय है वो आपके 1 अप्रैल 2012 से लेके 17 तक रहा, 12 से लेके 17। देखिए हमारे देश में जो वित्तीय वर्ष होता है इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वो क्या होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? देखिए वित्तीय वर्ष लिख लीजिएगा, जिसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, वित्तीय वर्ष ये क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है, इसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो तब से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चला है। इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष का था? तो अभी आपको पता कि जो पांचवा पंचवर्षीय योजना था उसकी अवधि 4 वर्ष, क्योंकि उसमें इमरजेंसी लागू हो गया था, फिर इमरजेंसी में क्या होगा फिर वो पूरा नहीं हो पाया। खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन जो मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया, जिसको एमएसपी कहते हैं, एमएसपी कब शुरू हुआ था भारत में? 1974 में शुरू हुआ था, इसको क्या कहते हैं एमएसपी कहते हैं। आपको पता कि 22 फसल है और एक गन्ना पे दिया जाता है, इसको एमएसपी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं उचित मूल्य कहते हैं। गन्ने पे जो होता है उसको क्या कहते हैं उचित मूल्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है उचित मूल्य कहा जाता है जो गन्ना पर दिया जाता है, और जो फसलों पे दी जाती है उसको क्या कहते हैं एमएसपी कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। टोटल मिला के 23 है, 22 पे दिया जाता है अनाज पर और एक क्या है गन्ना। देख गन्ना क्या है,
अनाज नहीं होता, गन्ना क्या होता है, इसको नगदी फसल कहा जाता है, यानी जो जो नगद कैश क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैश क्रॉप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक में बचत खातों पर ब्याज दर निर्धारित होती है। जो भी ब्याज दर होता है उस सब का निर्धारण कौन करता है? हमारे आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई निर्धारित करता है। धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालिक ऋण वितरित, जो उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण कौन वितरित करता है? तो ये क्या होता है? भूमि विकास बैंक के माध्यम से दिया जाता है। कृषि को स्थायी समुदाय आजीविका और अवसर के साधन के रूप में काम करना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? कि जो कृषि है उसको स्थायी समुदाय की आय के रूप में इसको बढ़ाने की बात की गई थी, इस जो विचारधारा है ये किसका था? देखिए, मनमोहन सिंह क्या है, इकोनॉमी के एक्सपर्ट थे, ठीक है। लेकिन जो एम एस स्वामीनाथन है, आपको बता था, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इन्होंने कहा था, हरित क्रांति के जो जनक है, इन्होंने कहा था कि कृषि को क्या है, स्थायी बना। देखिए 2006 में क्या है, एक कमिटी बनाया गया था जिसको स्वामीनाथन कमिटी कहा जाता है। उस कमिटी के आधार पर क्या है, इसकी बात की गई। तो स्वामीनाथन कमिटी कब बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था। स्वामीनाथन कमिटी कब बनाया गया था? स्वामी नाथन कमिटी बनाया गया था 2006 में बनाया गया। अगला है, वहां विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, वाटलैंड आयोग का केंद्र बिंदु, तो ये क्या है? तो ये था आपका सतत विकास, ठीक है। सतत विकास का मतलब होता है कि हम अपने भविष्य के बारे में भी क्या सोचे, यानी हमारे जो अगला पीढ़ी है उसके बारे में जो सोचे, उसके बारे में जब सोचेंगे तो क्या होगा, उसको स्थायी विकास या सतत विकास कहा जाए, या धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी भी तो इस धरती पर रहने वाले हैं, तो उनके लिए भी कुछ बचा के जाना चाहिए, तो ये होना चाहिए। सेबी की स्थापना कब हुआ था? देखिए, सेबी का जो गठन हुआ था 1988 में हुआ था, और इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 92 में। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 92। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका कार्य क्या है? शेयर मार्केट को निगरानी करना। जो शेयर बाजार होता है या शेयर मार्केट होता है उसको क्या करना? निगरानी करना। तो हमारे यहाँ पे जो शेयर मार्केट होता है, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी के माध्यम से किया जाता है। तो सेबी के माध्यम से क्या होता है, मतलब किया जाता सेबी के माध्यम से आपका शेयर मार्केट का रेगुलेशन किया जाता है। अब सेबी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ जाता है, देखिए सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया क्या है? सेबी का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। कब बनाया गया था? 88 में। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में दिया गया। भारत में वर्तमान सरकार, भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है। देखिए, हमारे बजट का सबसे अधिक जो धनराशि है वो किस पर जाता है, किसके ऊपर खर्च होता है? देखिए, हमारे देश में जो सबसे अधिक जो खर्चा होता है वो है हमारे यहाँ पे, जो हमने उधार ले रखा है गवर्नमेंट ने, उसमें जो ब्याज भुगतान होता है उसमें कमी होता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे धन खर्चा होता है उस किस पे जाता है? वो जाता है ब्याज भुगतान पर, यानी ऋण भुगतान पर जाता है। ब्याज भुगतान पर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है भारत सरकार। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1979। 6 बैंकों का कब हुआ था? 1980 में। ये 14 बैंकों का हुआ था, इसमें 6 बैंकों का हुआ था। 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? अभी आपको बताया था क्या है?
भारत सरकार के द्वारा जारी किया था, ओलंपिक के मंडल द्वारा जारी किया था, उसको भी ध्यान दो। अगला है देश में जो दशमलव पद्धति है, दशमलव पद्धति आप लोग जानते हैं, जो आजकल जो हम लोग करेंसी इस्तेमाल करते हैं ना, वो 10 के गुणांक में है, 10, 20, 50, 100, 1,000, 10,000, 25,000, इसको क्या दशमलव मुद्रा प्रणाली कहा जाता है। तो दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू किया गया था भारत में, ये शुरू किया गया था 1957 में। इससे पहले क्या था, हमारे यहाँ पाउंड चलता था, स्टॉलिंग चलता था, जो ब्रिटेन में चलता था वही चलता था। तो भारत में जो दशमलव पद्धति शुरू किया गया है वो क्या 1957 में शुरू किया गया, जो 10 के गुणांक में चलता है, 10 के क्या है गुणांक में चलता है, उसको दशमलव कहा जाता है, फैक्टर जिसे कहते हैं, 10 के फैक्टर में चलता है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, भारत में इस समय 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक, इसको याद रखना। अगला है मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया, देखिए मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए सरकार कौन सा उपाय नहीं करता है, नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, उत्पादन की वृद्धि पर क्या होता है, रोक लगा देते हैं या उसको संख्या को बढ़ा देते हैं, ये हो सकता है। घाटे के वित्त पोषण में कमी कर लेते हैं, जो घाटा हो रहा है उसको कम करने की बात करते हैं। उसके बाद कराधान उपाय करते हैं, जो कराधान का मतलब होता है टैक्सेशन, यहाँ पे कराधान का मतलब क्या होता है, टैक्सेशन की बात की जाती है, तो टैक्सेशन को कम करो, जिसमें होता है खपत में वृद्धि नहीं, क्योंकि खपत में वृद्धि नहीं करना, खपत में वृद्धि करेंगे तो सामान क्या होगा और ज्यादा चाहिए होगा, भाई आप 1 रोटी खा रहे हो उसमें 2 रोटी खाएंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और तो चीज है, क्योंकि खपत का नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या खपत मतलब जो डिमांड, खपत का मतलब यहाँ पे क्या डिमांड कम करना है, डिमांड में वृद्धि नहीं करना चाहिए, डिमांड में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में शुष्क मौसम क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे जो शुष्क मौसम होता है वो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में, तो जब गर्मी का के साथ साथ क्या बारिश का मौसम जब होता है, तब क्या होता है बहुत दिक्कत होने लगती है। अगला है महाबाजार जिसमें धन का प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है, देखिए जहां पे धन की प्राप्त होता है उसको मुद्रा बाजार कहा जाता है, क्या कहते हैं मुद्रा बाजार। मुद्रा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट मुद्रा या सॉफ्ट मनी करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, और एक होता है हार्ड करेंसी। जो करेंसी इजीली उपलब्ध हो जाता है उसको सॉफ्ट कहते हैं, जो इजीली उपलब्ध नहीं होते उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, तो वो हार्ड करेंसी हो जाता है या हार्ड करेंसी उसको कहा जाता है। हार्ड कहीं पे हार्ड भी लिखा जाता है, कहीं पे हॉट भी लिखा जाता है, दोनों धन मिलता है, दोनों शब्द को ध्यान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है, सीमांत का मतलब मार्जिनल, मार्जिनल मतलब कि जो अंतिम पायदान पे होता है वो क्या घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से मतलब पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो कुल रिटर्न क्या हो जाएगा, तो कुल रिटर्न क्या हो जाएगा, घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब कैसे होगा, मान लेते हैं किसी को 1 लाख रुपए का रिटर्न लेना है, कितना 1 लाख रुपए का रिटर्न, अब क्या होगा उसकी जो दर है पहले घटती है, घटती दर से बढ़ता है, यानी घटती दर से क्या बढ़ता है। तो देखिए जब कोई दर बढ़ती है ना, तो उससे क्या होगा कि उससे जो दर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसमें क्या है परसेंटेज के हिसाब से क्या है बढ़ती, तो ये बढ़ती है तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिटर्न होगा वो क्या घट जाएगा, कैसे होगा, ठीक है, दर दर मतलब रेट बढ़ना, तो पहले घट रहा था फिर क्या है बढ़ रहा है, तो सीमांत की बात बोलो, सीमांत तो मतलब अंतिम, अंतिम क्या होता है, तो अंतिम जो चीज है वो अगर बढ़ेगा तो जो मूल चीज होता है, मूल चीज में तो कोई वृद्धि नहीं हो रहा ना, जो हमारा मूल जो धन है या जो राशि है उसमें जो वृद्धि नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा घटता है, मतलब क्या होगा कुल रिटर्न क्या होगा घट जाएगा, कुल रिटर्न क्या हो जाएगा घट जाएगा। आरबीआई का स्वामित्व है, तो आरबीआई देखिए ये है आरआरबी, आरबीआई नहीं यहाँ पे आरआरबी की बात कर रहा है, आरआरबी का मतलब होता है
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपको बताया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में आपको पढ़ाया था, ग्रामीण बैंक आपको बताया कि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया था, कब बना था 1975, और प्रथम बनाया गया था प्रथमा बैंक जो मुरादाबाद में बनाया गया था। प्रथमा बैंक क्या है, पहला भारत का क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इसमें क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो प्रायोजित बैंक होता है ये तीनों इसमें पैसा लगाते हैं। केंद्र सरकार 50% लगाते हैं, ठीक है, जो राज्य सरकार होता है वो क्या होता है वो 15% लगाते हैं, और जो प्रायोजित बैंक होता है वो 35% क्या है पैसा लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब शुरू हुआ, 1975 में शुरू हुआ, और ये पहला कौन बना, प्रथमा बैंक बना। आरआरबी का मेन उद्देश्य क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा जो कृषि है उन पर ज्यादा फोकस करना, उनको ज्यादा उन्नति कदम करना, उनको ऋण देना। तो ये क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो निवेश विधि का उपयोग नहीं किया जाता, आय विधि, आउटपुट विधि, इनपुट विधि सभी का करते हैं, लेकिन किसका नहीं करते हैं, निवेश। निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना। तो निवेश से देखिए, निवेश करेंगे ना तो उससे क्या हुआ कि निवेश से वो विदेशी कंपनी निवेश करता है ना, तो उसके आय को भारत के इसमें काउंट नहीं की जाती है, तो क्या हुआ निवेश। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कॉमन्स की ट्रेजरी कहा जाता है, इसके परिवर्तक कौन थे, इसके परिवर्तक गैरेट आर्डिन, इसके परिवर्तक जो संसाधन होना है रिसोर्स है उसके अत्यधिक उपयोग को कॉमन्स की ट्रेजरी। कॉमन्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे देखिए लोग देखिएगा शादी वगैरह में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं और बहुत सारे बर्बादी करते हैं, खाना वगैरह बर्बादी करते हैं, तो ऐसे चीजों को नहीं करना चाहिए। संसाधनों का क्या होगा, बर्बादी नहीं करना चाहिए, तो वो कॉमन स्ट्रेटजी होता है। अब मान लेते हैं शादी में अगर 2 कुंटल अगर अनाज बर्बाद हो जा रहा है तो उससे कितने लोगों को भोजन दिया जा सकता है, तो उसको भी क्या है, तो लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास संसाधन है हम उसको क्या मिस यूज करें। जैसे आप लोग यूरोप में जाएंगे तो यूरोप के रेस्टोरेंट में क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा भोजन प्लेट में रख के नहीं आ सकते, या तो आपको पैक करके घर ले आना पड़ेगा या इतना भोजन आप मंगाइए कि वहां पे ही समाप्त कर दे। अगर प्लेट में अगर आप भोजन छोड़ेंगे तो उसके हिसाब से क्या होता है, उसमें टैक्स लगता है कि कितना भोजन की बर्बादी करते हैं, तो उसको फूड टैक्स कहा जाता है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए कि जो बर्बादी होता है, जो अमीरों की शादी में ऐसा होता है या रेस्टोरेंट में जो होता है, उसकी बर्बादी को रोकने का यही तरीका है कि टैक्स लगा दिया। वहां पे विशेष प्रकार के क्या था, पुलिस होता है, अगर इस तरह के कोई भोजन बर्बाद करता है तो उसको क्या सजा मिलती है, उसमें जुर्माना लगाया जाता है, और इसके लिए क्या अलग से पुलिस भी होती है रेस्टोरेंट को संभालने के लिए। तो ऐसे इंडिया में भी होनी चाहिए, शादी ब्याह में भी क्या होता है इस प्रकार के पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह होना चाहिए कि भोजन बर्बादी ना हो, जिससे क्या होता है, एक क्या होता है कि आपके पास पैसा है ये सही बात, लेकिन किसी चीज का मिसयूज करना, नष्ट करना आपके हक का नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जो भी निर्माण होता है वो क्या होता है, सबके कॉमन या सबके सहयोग से उत्पन्न होता है। किसी एक व्यक्ति क्या होता है समाज में कोई चीज बना नहीं सकता, उसके लिए क्या होता है बहुत सारे लोग होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर बोल दिया कि मैं सोने का चेन लिया हूँ, तो मैंने सोने का चेन मैंने खरीदा हो, तो इतने उस सोने को खदान से लेके उसको पूरा अर्नामेंट बनाने में जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, इतने लोग पार्टिसिपेट किया होगा, तो वो व्यक्ति ने नहीं बनाया या उस व्यक्ति का नहीं है, लेकिन तो लोगों का क्या है मेहनत श्रम उसको लगा हुआ है, तो उनके योगदान लगे हुए हैं। इसलिए क्या होता है किसी व्यक्ति का ये हक नहीं है कि वो अपना जो भी पैसा है जनता है उसका मिसयूज ना करे, ठीक है। तो ये हो गए आपके इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लोग इसको रिवीजन कीजिएगा बढ़िया से। देखिए मैं आंसर किस लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करने में दिक्कतें ना, ढूंढना ना करे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा,
का आंसर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे क्या हुआ आपको क्वेश्चन का आंसर सर्च करना करना पड़े, आपको जल्दी रिवीजन हो सके। आपको बताया था आपको कोई भी टॉपिक कठिन लग रहा है या कोई भी आपके पास कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है तो शेयर कीजिए, उसको भी हम लोग क्या डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों के पास भी अगर कोई इस तरह से कलेक्शन है तो आप लोग भी उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज हम यहाँ पे क्लास समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों से कल मिलते हैं। गुड नाइट सबको।